नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। मैं हूं प्रशांत मिश्रा और आज मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने 30 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो। इससे पहले एक आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। हमारी हर हफ्ते जो है बेस्ट 50 की वीडियो आएगी, बेस्ट 50 क्वेश्चन जो होंगे पूरे हफ्ते के उनकी वीडियो आएगी, और हर मंथ के लास्ट में बेस्ट 150 मतलब 150 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो हमारा आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए देखना ना भूलिएगा हर हफ्ते और हर मंथ। देखते हैं आज की करंट अफेयर 30 सितंबर की। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर या 29 सितंबर? आंसर है आपका 29 सितंबर। और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला पूछ रहा है हाउ मच नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी फॉर द ईयर 2021। 2021 के लिए जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है उसने हमारी जीडीपी को कितना फॉरकास्ट किया है या उसे कितना बताया है? ऑप्शन है आपके -10.6%, -11.6%, -12.6% और -13.6%। आंसर है आपका -12.6%। इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है और ये फाउंड हुआ था 1956 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च अ नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने जो है एक स्ट्रेटजी लॉन्च करी है, एक भूमिका बनाई है, एक जो है योजना बनाई है किसके लिए? ऑप्शन है आपके ब्लैक बक, दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तीसरा है बारासिंघा और चौथा है आपका वन हॉर्न राइनो। ऑप्शन आपका आंसर है डी, वन हॉर्न राइनो। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा नंबर में राइनो पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ? असम में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी में पाए जाते हैं और इंडिया में लगभग इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3000 के करीब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च वेब पोर्टल धरनी फॉर इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। धरनी नाम का वेब पोर्टल किस स्टेट ने लॉन्च किया है और इसने जो लैंड रिकॉर्ड है उनके मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब एक जगह सारा लैंड रिकॉर्ड मिल जाएगा, उसके लिए इसे लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा। आपका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने जो है धरनी वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है जिसमें आपको लैंड रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं नेशनल पार्क जो कि तेलंगाना में है। पहला है काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरा है महावीर हिराना वनस्थली, तीसरा है मुरगावनी नेशनल पार्क, चौथा है तडोबा नेशनल पार्क। तो ये आपके जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ हैं? ये नेशनल पार्क आपके तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी इन द स्टेट। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एडवेंचरस एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए एक मेमोरेंडम साइन किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, जो है भारत के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है? तो ऑप्शन है आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। आंसर है इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो है आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके अलावा देख लेते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड के नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी, गंगोत्री, गोविंद, पशु विहार। कौन कौन से हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद, पशु विहार नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द आई आई टी डेवलप
MOUSHIK इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर, इसको किस IIT ने लॉन्च किया है या डेवलप किया है? ये हमारे देश का देसी जो है माइक्रो प्रोसेसर है। IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT बेंगलुरु, IIT मद्रास। आंसर है आपका इसका IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्तार उसाने अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री? माली, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं? माली, साउथ अफ्रीका, यमन, चिले। आंसर है आपका माली। माली के इनको जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लॉन्च ICMR वैक्सीन पोर्टल? ICMR जो वैक्सीन पोर्टल है किसने लॉन्च किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी। हर्षवर्धन जी ने ये लॉन्च किया है। अब आप इस पोर्टल पर जाकर वैक्सीन की कंडीशन या वैक्सीन देख सकते हैं कि किस डेवलपिंग स्टेज पर कहाँ पर वैक्सीन डेवलप हो रही है, कौन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये सारी डिटेल आपको वैक्सीन पोर्टल पर मिल जाएगी जो कि ICMR के द्वारा डेवलप बनाया गया है या लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च किया है हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन ऑब्जर्व? किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय एक अवेयरनेस डे मनाया जाता है जिसके द्वारा फूड लॉस जो हम लोग करते हैं, जो खाना बर्बाद करते हैं, उसका जो वेस्टेज होता है, उसे वेस्ट करते हैं, उसको कम करने के लिए दिन मनाया जाता है? 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। आंसर है आपका 29 सितंबर। तथा इसके साथ इसकी थीम देख लेते हैं क्या है। स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लैनेट। मतलब हमें वे जो फूड है उसे वेस्टेज से बचाना है, लॉस से बचाना है, किसके लिए? लोगों के लिए और अपने प्लैनेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ अ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। कौन खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का जो है आपका एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है? सुनील सिंह, सुनील सेठी, सुनील मिश्रा, सुनील राहुल सिंह। आपका आंसर है सुनील सेठी। तथा अगर हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ अ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो इसके चेयरमैन जो है प्रेजेंट टाइम पर उनका नाम है बिमल कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड? दुर्गा पूजा कहाँ सेलिब्रेट करी जाती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आप लोगों को मैंने नेशनल पार्क बताए थे, किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं हमें कि कौन कौन से नेशनल पार्क मैंने बताए थे। वैसे दो तीन बता देता हूँ, आपका सुंदरवन है, बक्सा है, इसी तरह दो तीन और आप लिख के हमें कमेंट में बताइए कि कौन कौन से नेशनल पार्क जो है आपके वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बैग 8 अवार्ड इन गरीब कल्याण रोजगार अभियान? गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 8 अवार्ड किसने जीते? यूपी, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आंसर है आपका यूपी। यूपी को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए जो है लगभग 8, सबसे ज़्यादा 8 अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च टू मेक अ स्लम फ्री स्टेट इन 3 ईयर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्टेट ने लॉन्च किया है कि वो आने वाले 3 सालों में अपने स्टेट को या अपने राज्य को स्लम फ्री कर देगा? मतलब वहाँ जो मलिन बस्तियाँ हैं, जो गंदी बस्तियाँ हैं, उनको वो हटा देगा या उनको उनका सब्स्टिट्यूट कुछ ले आएगा, जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए या तो घर प्रोवाइड करेगा या कुछ इसी तरह के और काम करेगा, जिससे वो जो स्लम एरिया है वो एकदम स्वच्छ हो जाए। तो ऐसा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर दिल्ली? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसने ये घोषणा करी है कि उसके राज्य में 3 वर्ष के अंदर सारी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको वो समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेगा प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन उत्तराखंड? प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने उत्तराखंड में वो कितने मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है आपके 5, 6, 7 और 8। तो इसका आंसर है आपका 6। बड़े 6 प्रोजेक्ट जो होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड में लॉन्च किए जाएंगे उसके विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल? किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया या उसकी शुरुआत करी? पहला है अमित शाह, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा एम वेंकैया नायडू और चौथा है आपका रामनाथ कोविंद। आंसर है इसका अमित शाह। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी पीएम, एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट एंड रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, ये जो हैं इन्होंने लॉन्च किया। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये पूछ रहा है लेट अमिताभ घोष वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ विच ऑफ द दीज इंस्टीट्यूशंस? इनमें से जो अमिताभ घोष थे वो इनमें से किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते थे या किसके फॉर्मर चीफ थे? पहला आरबीआई, दूसरा एसबीआई, तीसरा सिडबी और चौथा है आपका सेबी। इनमें से किसके वो फॉर्मर चीफ थे? ऑप्शन जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसका आंसर, और इसका आंसर आपको कल वाले वीडियो में दिया जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन का, पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने पूछा था व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 2020 का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आया है इसमें इंडिया की रैंक क्या है? आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइएगा कि ये रैंक कौन जारी करता है, इसके अलावा इस पे टॉप पे कौन था। ये दो क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में तो बताऊँगा ही। इसका आंसर है आपका 116, 116 सोलहवें स्थान पर भारत था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा कल के वीडियो में फिर सुबह मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे चैनल को फेसबुक पर, ट्विटर पर और आपका टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।